अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। अब्बा हुजूर, आज मैं फिर अपना जज्बा इंतकाम लेकर कहरान के महल जाता हूँ। आप दुआ कीजिए बेटा कि मैं अपने मकसद में कामयाब लौटू। मेरे बच्चे, तेरे अंधे बाप की दुआएं तेरे साथ। ऐ बेकसों के हामी, तू ही इसकी मुहाफिजत कर। ऐ खुदावंदा, तू मुझे तौफीक दे कि मैं कहरान को कत्ल कर सकूं, या फिर खुद उसके हाथों शहीद हो जाऊं। जज़ाकअल्लाह मेरे लाल, खुदा तुझे हिम्मत दे। खुदा की राह में एक बेटा तो क्या, तुझ जैसे हजारों बेटे कुर्बान है। अच्छा अब्बा हुजूर, अब मैं जाता हूँ। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज अब्बा हुजूर। फी अमानिल्लाह मेरे बच्चे, फी अमानिल्लाह। मेरे खुदा के बंदे हर हालत में अपने खुदा को याद करते हैं। उधर क्या दिखाती है, मेरे बंदों की तादाद देख। इधर सिर्फ 10-12 और यहां हजारों की तादाद है। अच्छा निकला, अजान ने तुझे बचा लिया। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, इबादत करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ऐ बंदगाने तहरान, झुक जाओ सजदे में, खुदावंद तहरान तशरीफ लाते हैं। खुशा नसीब के हमने तुम्हारा सजदा कबूल किया। उठाओ अपने सरों को, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो, मैं झूठा खुदा है, मैं तो खुदा नहीं मानूंगा, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो मुझको, मैं झूठा खुदा है, मैं तो खुदा नहीं मानूंगा, छोड़ दो मुझको। खुदावंदे कहरान,
यह शख्स भी अपनी जिंदगी से बेजार है और आपकी खुदाई से इनकार करता है। सिर्फ इनकार ही नहीं, मैं तुझे शैतान समझता हूँ। शाखे सरफरोशी सर अलल ऐलान दे देंगे मगर ईमान को जाने न देंगे, जान दे देंगे। वक्त इतना है कि तू अपनी जान देना चाहता है और हम तेरी आंखें लेना चाहते हैं। हमको जमीन और आसमान ने सजदे किए, आग और पानी ने अपना खुदा माना, सूरज और चांद ने अपना रब माना, तू हमारी खुदाई से इनकार करता है। सिर और तेरी खुदाई पर लानत भेजता हूं। देखा हमारी नाफरमानी का अंजाम, आंखें गई तो क्या हुआ, दिल है खुदा का घर, ये घर वो है जो तुझसे निकाया न जाएगा। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पखंदकन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अब्बा हुजूर, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि आज तहरान मेरे खाते से बच गया, मगर खुशी इस बात की है कि आज भी तहरान के महल में खुदा परस्त मौजूद है। ये कैसे मालूम हुआ? हमला करते वक्त जिस नौजवान ने मेरा पीछा किया वो मुझे कोहे महोरा के करीब कत्ल करना चाहता था, मगर अजान की आवाज सुनते ही मुझे छोड़कर नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? उस वक्त मैंने ये मुनासिब नहीं समझा, मगर हाँ बहुजुर्ग, एक न एक दिन उसे यहाँ आना ही होगा। बात तेरे सर में नहीं उतरती ना? अरे यार, तू तो खाली खुली दो जमाता है, बता तेरी कौन सी बात? मेरे भेजा था ना तहरान को सजदा दिया था, हाँ, मगर तू नहीं मानता। आज सजदा करके आया तो तेरा मतलब ये कि मैं नमक हराम बन जाऊं? ये नमक हराम ही नहीं, खिदमत आका के लिए, मगर सजदा खुदा के लिए। किसी इंसान को सजदा करना कुफ्र है, समझा? ये खंजर और ये तेरा पेट, अगर तहरान को सजदा किया तो मैं तेरा पेट फाड़ूंगा। अगर कहरान को सजदा करूंगा तो तू मेरा पेट फाड़ डालेगा, हाँ। और अगर उसको सजदा नहीं करूंगा तो वो मेरी आंखें निकाल देगा। मेरे लिए तो दोनों जगह मौत ही मौत है। बगैर खुदा के हुक्म के कहरान तेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा, हाँ। तो बगैर खुदा के हुक्म के तू भी मेरा पेट हरगिज नहीं फाड़ सकता। मगर मुझे तो खुदा का हुक्म हो चुका है, अगर तूने कहरान, अरे मेरे बाबा, हाँ। मेरा सर क्यों साफ करता है? जा, जिस घर में कहरान बसा हुआ है वो मैं घर ही साफ कर देता हूँ। बस आज से कहरान को सजदा बंद और असली खुदा को सजदा। अरे तू कहाँ थी मेरी मुश्किल खुतन? मुश्किल खुतन? हाँ, मुश्किल खुतन यानी मेरे मोहब्बत का चमन। उल्टा चोर कोतवाल कुदाते हैं, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गई, तू कहाँ था? हाँ, मैं तो तेरे कदमों में पड़ा था, बिल्कुल नजदीक था, बिल्कुल बाजू में था। वो देख, वो है ना पागलखाना, मैं उसके अंदर बैठ के तेरी याद कर रहा था। पागलखाना समझी ना? हाँ, हाँ। जहाँ उल्लू बोलते हैं। हाँ, ओहो, अरे उल्लू बोले यहाँ घर अपनों क्या करना, इधर आ भाई, मैं तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ। सुनाओ, वो कहरान है ना, कहरान, मैंने उसको सजदा करना बंद कर दिया और अल्लाह को सजदा करना चालू कर। तो क्या तू कहरान को सजदा करता था? हाँ, सब करते, तो मैं भी करता था। लानत है तुझ पर, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। अरे अरे, तू क्यों नाराज हो रही है? मैं तो खुद कहरान पे लानत भेज चुका हूँ, तू मेरे पे क्यों लानत भेज रही है? देख सुन, कहरान पे मैं लानत भेजता हूँ, एक कहरान माटी मिले तेरे को अंगार लोगो थू है तेरे मुंह पर। हंस दे कहरान पे लानत भेजती तू खुश हो गई, कहरान तेरे बाप पे भी लानत। कितना भी हो अंधेरा दबता नहीं उजाला, सच्चाई का जहां में रहता है बोलबाला। तो बकती है ज्यादा, मेरे कहरान का बोलबाला है। तू अंजाम से आसमां से एक नूर बरस रहा है।
खुदावंदे कहरान को शहजादा मुबारक हो। खुदावंदे कहरान को शहजादा मुबारक हो। खजानों के मुंह खोल दिए जाए, मुंह मांगे इनाम तकसीम किए जाए। चरा जश्न रक्स बेहतरीन रकासा को हमारे हजूर में पेश करने का इंतजाम किया जाए। जो हुक्म बंदा परवर, इस खुशी के मौके पर मैं भी एक तमन्ना रखता हूँ आलम पना। बयान करो, पूरी की जाएगी। सिर्फ शहजादे की गुलामी चाहता। और हमारे साथ बहुत हो। आज से हमने दुनिया को एक और खुदा दिया। आज हमारी खुदाई का हिस्सेदार और महबूदियत का सच्चा हकदार पैदा हुआ। हमें सजदा करने वाले अब इसे भी सजदा करें। फरीदूर आलम लो, आज से तुम हमारे नहीं शहजादी के गुलाम हो। और आज और आज से हम तुम्हारे आता नहीं शहजादा तुम्हारा आता होगा। रहे नसीब आलम बना, शहजादे के एक कतरे खून की कीमत दुश्मन के 1000 सर। शाबाश फरीदू, हम तुम जैसे गुलामों की कदर करते हैं। काम बिगाड़ दिया। ये तेरे कंधे पे क्या है? ये चक्कर है। मगर गाय का चक्कर है, पानी का चक्कर है, आटे का चक्कर है कि किस्मत का चक्कर है? अबे मौत का चक्कर है। मौत का चक्कर तेरे कंधे पे कैसे आ जाए? क्या मतलब? मतलब ये कि आज अगर एक खूबसूरत मजबी नाजनीन रक्कासा नहीं मिली तो तुझे ये सर जो मेरे धड़ पर नजर आ रहा फिर से अलग होते हुए नजर आ जाएगा। रक्कासा? अबे ये रक्कासा को क्या करेगा यार? तू समझता नहीं है, वो हमारा खुदा वंदे कहरान है ना, उसके एक छोटा खुदा पैदा हुआ है तो जश्न के लिए एक खूबसूरत नाज़नीन चाहिए। और ये काम शेख फजलू यानी कि लूलू के हवाले किया गया है। अबे तो इसमें गवाने क्या बात है? चा? मैं तुझे ला दूंगा एक रकासा। ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी रकासा होगी। अबे उल्लू ये तो बताएगा कैसी होगी? भले ऐसी होगी, ऐसी होगी, कैसी होगी? ऐसी रकासा होगी कि तेरी जिंदगी भी याद रखेगा। हाँ। और भी याद रखेगा। शाबाश शाबाश, चल जल्दी उठा जल्दी। मैं तेरा तो मुंह मांगा इनाम तेरा जो होगा वो तुझे दे दूंगा। जल्दी आना है भाई, सामान इधर है। चोरी हो गया ना, तेरे खैर नहीं। जा जा चटनी के खैर नहीं बात करता है, काम करके फिर कैसे करना। जल्दी आना भाई। बहुत काम करनी है तूने, बड़ा अच्छा काम। कुछ पढ़ना लिखना जानते? पढ़ना लिखना? अरे देख मैं कितनी जबान जानता हूँ। जल्दी बोल जल्दी बोल। अरबी, फारसी, तुर्की। बस 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 इधर इधर जरा मेरी महबूबा का खत पढ़ दे ले। महबूबा का खत पढ़ दे। महबूबा क्या बोला? महबूबा तेरी उम्र क्या है? ये तो माँ ने नहीं बताया कि उम्र क्या है। अच्छा हुआ तेरी माँ ने नहीं बताया, वरना इस हालत में तो बिगड़ जाता। महबूबा उसको बोलते कि एक लड़की से एक लड़के का बहुत बहुत ही खतरनाक प्यार हो जाए। अरे यही तो सबसे बुरी बात थी अपनी जिंदगी में कि अपने उसके ऊपर प्यार ही नहीं हुआ। बच गया बेटा, वरना जल्दी पहुँच जाता। ले पर सलामी मोहब्बत कबूल। सलाम वालेकुम सलाम। आगे बोल, आगे बोल। आगे लिखती है, तुम्हारी मोहब्बत में तारे गिन गिन कर काटती हूँ। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में तारे गिन गिन कर। सुनो, और दिल की धड़कने गिन गिन के दिन काटती हूँ। वाह वाह, के था
हमारी तुम्हारी शादी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। क्या बोला? क्या हमारी तुम्हारी शादी नहीं? फजलू, ए फजलू। अरे आ रहा हूँ। अरे अंदर बैठे बैठे क्या कर रहा है? जरा बाहर आ। ले आ गया बस। बोल क्या है? क्या खाक बोलूं? तुझे तो मेरी कुछ फिक्र नहीं। अरे मैं किस किस की फिक्र करूं? खुदावंदे कहरान की फिक्र करूं, फरीदून की फिक्र करूं, अपनी बुढ़ी माँ की फिक्र करूं, तेरी फिक्र करूं, छोटे खुदा की फिक्र करूं। छोटा खुदा? हाँ, अपने खुदावंदे कहरान का छोटा खुदा वहाँ पैदा हुआ है ना, उसको खुश करने के लिए अभी से एक रकासा की तलाश में गया था। तो क्या मिल गई? अरे हाँ हाँ, नहीं कैसे मिलती, फजलू इब्ने लूलू ढूंढने गया था। और अगर नहीं मिलती तो? नहीं मिलती तो मुझे मजबूरन तुझे नाच सिखाना पड़ता। तो क्या तू समझता है कि मैं नाचना नहीं जानती? अरे अगर मैं चाहूँ तो मैं तुझे भी नचा सकती हूँ। जा फेंकती है, तू क्या नचा सकती? तू हरगिज़ नहीं नचा सकती। नचा सकती हूँ? नहीं नचा सकती। नचा सकती हूँ? नहीं नचा सकती। नचा सकती हूँ? नहीं नचा सकती। फजलू, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी तुझे नचा सकती हूँ। हाँ नचा सकती, नचा सकती, नचा सकती। छुरी वाला चाकू वाला, ओ आया मैं मस्ताना दीवाना दीवाना दीवाना। छुरी वाला चाकू वाला, चाकू वाला छुरी वाला चाकू वाला, चाकू वाला छुरी वाला चाकू वाला। छुरी वाला चाकू वाला। इसे मालूम कल क्या हो, लगाने जाम होटों को। किसे मालूम कल क्या हो, लगाने जाम होटों को। ये गोल गोल बाहें ये मौत की है राहें, ये गोल गोल बाहें ये मौत की है राहें, ये राहें। चाकू वाला छुरी वाला चाकू वाला, चाकू वाला छुरी वाला चाकू वाला। भोली भाली अदाएं हैं निराली, सूरत भोली भाली अदाएं हैं निराली निराली निराली। जियो आया मैं मस्ताना दीवाना दीवाना दीवाना। छुरी वाला चाकू वाला, चाकू वाला छुरी वाला चाकू वाला, चाकू वाला छुरी वाला चाकू वाला। Thank you.
مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ہمارا پیغام پہنچا دو کہ اے دنیا کے رہنے والوں ہمارے عذاب سے ڈرو ہمارے قہر سے ڈرو ہم سے سرکشی نہ کرو ورنہ ہم تمہارے سروں آسمان پھینک دیں گے جو ہماری طاقت سے انکار کرے ہرگز نہیں نہ جانتے ہوں وہ جان لیں اور جو جانتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں زندگی ہے اور دوسرے ہاتھ میں موت ہم جسے چاہیں اسے زندگی بخش سکتے ہیں اور جسے چاہیں اسے موت کیا دنیا کی کوئی طاقت اس سے انکار کر سکتی ہے بالکل نہیں منجم خداوند کہران شہزاد عمران کے بارے میں تمہارا نجوم کیا کہتا ہے ستاروں کا حال تو خداوند سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں اجازت ہے شہزادے کا اقبال آپ کے اقبال سے زیادہ بلند ہوگا اور شہزادہ سات ملکوں کا بادشاہ ہوگا اور شہزادہ خدا نہیں خدا پرست ہوگا اور ایک سچا مسلمان ہوگا اور کیا ہوگا اگر حکم ہو تو بیان کروں بیان کر شہزادہ شہزادہ اپنے باپ کا قاتل ہوگا منجم جانتا ہے جھوٹ کی کیا سزا ہوتی ہے موت کیا تو بتا سکتا ہے کہ تو اور کتنے برس زندہ رہے گا خدا بھر یہ غلام ابھی 40 برس تک اور زندہ رہے گا جھوٹا کہتا تھا میں 40 برس تک اور زندہ رہوں گا کچھ نہیں ہم اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں جو تمہاری آواز میں روشن ہے ہم اس سکولی کو کچل رہے ہیں تمہاری گود میں پل کر ہمیں کسنے کے لیے آیا ہے یہ آپ کا بہم ہے میرے سرتاج کسی دشمن نے آپ کو بہکا دیا ہے یہ تو آپ کے اندھیرے گھر کا چراغ ہے نہیں یہ وہ خطرناک ستارہ ہے جو ایک دن بجلی بن کر ہمارے ہی آشیانے پر گرے گا نہیں نہیں میرے سرتاج میں اپنی بچی کی ضمانت دیتی ہوں تم ہمیں دھوکہ دے رہی ہو ہرگز نہیں عالم بنا ذرا وہم کے پردے آنکھوں سے ہٹائیے یہ آپ کی اولاد ہے آپ کا خون ہے آپ کا نوری نظر ہے کیا آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں مرے گا سرتاج ہم تم پر نہیں اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وقت سے چھوڑ دیتے ہیں مگر یاد رہے ذمہ دار تم بھی ہو آپ اطمینان رکھے عالم پنا آپ اطمینان رکھے آپ اطمینان رکھے وہ دیکھ وہ سامنے درخت دیکھتی ہے نا آج سے 7 سال ہوئے 5 اور 2 سال ایک دفعہ میں نے کھڈا کھودا بیج رکھا بند کیا پانی ڈالا پودا ہوا جھاڑ ہوا درخت ہوا پھل لگے پھول لگے سب نے کھایا آرام سے سو گئے مگر تیری میری محبت کا کوئی انجام نہیں نکلا مگر تو چاہتا کیا ہے لے ایک پیاسے سے پوچھتی ہے کہ پانی پیے گا ایک اندھے سے پوچھتی ہے کہ تجھے آنکھیں چاہیے ایک بھوکے سے پوچھتی تو کھانا کھائے گا اور ایک کنوارے سے پوچھتی ہے کہ تو شادی کرے گا اچھا تو شادی کرنا چاہتا ہے میں تیرے قربان تو بڑی سمجھدار ہے دیکھ تم نے شادی کر لے گی نا تو بس یہ کہنا بس وہ چل ہٹ اتنے دن ہو گئے ایک ہیرے کا ہار تو نہیں لایا گیا اور شادی کرنے چلا ارے تو ہاں تو بول میں تیرے کو ہیرے کی ندی میں بہا دوں گا بس بول تم نے شادی کرے گی نا
नहीं हा? मुझे तो शा, शा, तो तुझे मैं शक्कर ला दूं? नहीं हा? मुझे तो शा, शा, तो क्या तुझे मैं शाल ला दूं? नहीं हा? मुझे तो शर्म आता है। तुझे शर्म आती है? तेरी शर्म ने मेरे को बिल्कुल शादी करने पे बेशर्म कर दिया है। बोल। कोई मावरा में रहते हुए और कहरान का जुल्म सहते हुए आज 8 साल हो चुके थे, लेकिन शुक्र है उसका कि हमारे इरादों में जुम्बिश तक नहीं हुई है। कोहे मावरा की तरह हम भी अपने इरादों में अटल हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक इस पहाड़ की तरह अटल रहेंगे। मुसलमान वो है जो गम मुस्लिम का अपना गम समझता है, मुसलमान वो है जो सर रहे हक के लिए कुर्बान करता है। कटाना सर रहे हक में है ये सच्ची मुसलमानी, खुदा शाहिद है वो जिंदा है जो मजहब पर मरता है। शाबाश मेरे लिए, कितना अच्छा फूल है। अम्मी, ये दस में बैठे बैठे इतने अच्छे फूल कौन बनाया करता है? खुदा की कुदरत शहजादे, ये सब खुदा की कुदरत के नमूने हैं। खुदा यानी मेरे अब्बा जान? नहीं 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 नहीं, उसका नाम मत लेना, वो तो शैतान इब्ने शैतान है। तो फिर असली खुदा कौन है अम्मी? सच्चा खुदा वो है जिसने जमीन आसमान चांद सितारे सूरज हवा पानी हमें तुम्हें सबको बनाया, वो सच्चा खुदा है। वो कहाँ रहता है और कैसा है? वो हर जगह हर दिल में और हर शय में मौजूद है। फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? वो एक नूर है शहजादे, जिसे तूर पर मूसा ने देखा था और देखते ही एक ही झलक में बेहोश हो गए थे। तो क्या मैं उसे नहीं देख सकता? क्यों नहीं, फूलों में चांद सितारों में सब उसी के दो जलवे हैं। बेशक अम्मी, इतनी सारी चीजें कोई इंसान बना ही नहीं सकता, जरूर का खुदा है। अब समझे मेरे शहजादे, जरूर खुदा है। अच्छा बेटा, वो कल वाली नज़्म तो सुनाओ। अम्मी वो तो मैंने पूरी याद कर ली है। अच्छा तो सुनाओ। तो सुनो। Thank you.
मैं बड़ा होके बहुत काम करूंगा। आफरीन, क्या जोश है, क्या तमन्ना है। खुश क्या होती है, इस जोश और इस तमन्ना को मैं अभी घाट में मिला देता हूँ, शाख में फूल आने से पहले ही काट देता हूँ। मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बेअदब, तू कौन है? मैं उस मुनज्जिम का भाई हूँ जो खुदावंद कहरान के हाथों से कत्ल हुआ था। क्या चाहता है? मैं उस पेशन गोई की तजदीद करना चाहता हूँ जो मेरे भाई ने शहजादे के लिए दी थी। जो कुछ जानता है बयान कर। मलिका और शहजादा आपको नहीं किसी और को खुदा मानते हैं। क्या तू इसका सबूत दे सकता है? खुदावंद, अभी और इसी वक्त शाही बाग में जाकर देखिए। तो बेटे को बाप का दुश्मन बनने की तालीम दी जा रही है। मैं पहले ही जानता था कि तुम आस्तीन के साथ हो। अब्बा जान, मैं आपको खुदा नहीं मानूंगा। तो फिर कौन है तेरा खुदा? मेरा खुदा वो है जिसने जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे और मुझे और आपको पैदा किया। कहाँ है वो? फूलों में, तारों में, चांद में, हर शय में मौजूद है। ये सब बकवास है, वहम है। तेरा खुदा मैं हूँ। सुन रही हो अपने बेटे की बातें? मैंने तुझ पर एतबार किया, बुरा किया। नजूमी सच कहता था, तुम दोनों को उसी वक्त कत्ल कर दिया होता। बगैर खुदा के हुक्म के आप कुछ नहीं कर सकते थे। मैं जो कुछ करता हूँ अपने हुक्म से करता हूँ। आप एक सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। पुकार अपने खुदा को कि वो मेरा सांस रोक दे। मेरा खुदा जुल्म की रसीद रास कर देता है ताकि जालिम और मजलूम की पूरी पहचान हो जाए। तूने अपने शोहर को धोखा दिया है, इसलिए तू गुनहगार है। शोहर के लिए खुदा को धोखा देना गुनाह है। शोहर के लिए ईमान की राह से हटना गुनाह है। शोहर के लिए शैतान बनना गुनाह है। और खुदा को भूलकर किसी बंदे को सजदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। खामोश और ना बका, वरना अभी मसल दूंगा। एक तो क्या, खुदा की राह में 100 बेटे हो तो कुर्बान है। जिंदगी दे देंगे उसके नाम पर, शौक से मिट जाएंगे इस्लाम पर। मैं तो तेरे खुदा को खुदा तब समझूं जबकि वो तुझे बचाने के लिए यहाँ आए। उसका यही कमाल क्या कम है कि उसने मुझे आप ही के घर में पैदा किया और आज तक महफूज रखा। देखता हूँ अब वो तुझे कैसे महफूज रखता है। मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को और सांपों की कोशिश में डाल दो। अब्बा जान, जिसे खुदा रखे उसे कौन चाहिए। नाम पर मरने वाले कहीं मौत से डरते? क्या तुम उसको भूल गए जिसने हजरत नूह की कश्ती को तूफान से बचाया था, जिसने आग को हजरत इब्राहिम के लिए गुलजार बनाया था? क्या तुम भूल गए कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है? उठाओ हाथ और अपने परवरदिगार से मदद मांगो, वो ही सबकी सुनने वाला है। या अल्लाह, या अल्लाह। Allah
सांपों की कुंडली तो गुलजार हो गई। चलो खुदावन के कहरान को खबर करें। तेरा लाख लाख शुक्र है खुदावन के कहरान। कोई नया फितना हमारे ऐश में खलंदाजी किस लिए? सांपों की कुंडली गुलजार हो चुकी है। शहजादा और मलिका जिंदा है। शहजादा और मलिका जिंदा है तो ये खबर लेके यहाँ पहुंचे। गुलजार में आग क्यों नहीं लगा दी? खुदावंद कहरान के हुक्म का इंतजार था। हमारा हुक्म किसी का इंतजार नहीं करता। अब जुर्म गरीबों पे मैं होने नहीं दूंगा, मजलूमों को मजबूर को रोने नहीं दूंगा, दौलत के खुदाओं को मिटा दूंगा जहां से नाम करने से पहले ही हम तेरा नामो निशान मिटा देंगे। अब्बा जान आपने गुलजार मुलाजा फरमाया, ये भी हमारा ही कमाल है। अगर तुम हमारी औलाद ना होते तो तुम में ये कमाल कहां से आता? हम या हमारी औलाद ही इस सांपों की कोठरी को गुलजार बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपकी ये दलील झूठी दलील है। ठहरिए अम्मी। अब्बा जान अगर आप ही का कमाल मुझ में मौजूद है तो फिर मेरी तरह आप भी एक ऐसा गुलजार बनाकर दिखा दीजिए। हम तुझे इससे भी बड़ा कमाल दिखा सकते हैं। अशलान खुदावंद कह रहा लोहे के दो गरम तवे हाजिर करो। जो हुक्म। जरा नाचीज आफ्ताब का कमाल देखना चाहता हूँ। कमाल तो ना आप में है ना मुझ में, कमाल तो उसमें है जिसने इस सांपों की कोठरी को गुलजार बनाया। तो इनके सुरों पर लोहा पिघल कर बन गया फूलों का हार दे, आंखों से दिल की जलवाए परवरदिगार दे। ये सब जादू है मगर अब तलवार ला। आंखों से अपनी कुदरते परवरदिगार देख। असलान इधर उसको। दिल वाले आजा नजर तो मिला जा, रे आजा रे आजा रे ओ,
हंसी हो जब ऐसे जी बच्चे कोई कैसे हंसी हो जब ऐसे जी ऐसे जी ऐसे जियो आया मैं मस्ताना दीवाना 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 चूरी वाला चाकू वाला चाकू वाला चूरी वाला चाकू वाला चाकू वाला चूरी वाला चाकू वाला तो वही लड़का है जिसने खुदावंद कहरान पर भरे दरबार में लड़की के बीच में खंजर चलाया था। ठीक है, चलो उसे गिरफ्तार कर ले। आओ मेरे पीछे। जिस रक्षासा ने आप पर भरे दरबार में हमला किया था वो लड़के का भेद बदले में बाजारों में चाकू छुरी तेज कर रही थी। कहानी मत सुनाओ, मकसद बयान करो। हमने उसे पहचान कर गिरफ्तार कर लिया था, मगर आपके इन वफादार गुलामों ने उसे हमारे हाथों से छुड़ा दिया। ये लोग गद्दार हैं और खुदा परस्तों से मिले हुए हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। खुदा के सच्चे बंदे कभी झूठ नहीं बोलते। नमक हरामो, अपने खुदा से धोखा करते हो और सच्चाई का दावा करते हो। हमने हमेशा आपको अपना बादशाह समझा, खुदा कभी नहीं माना। हमारा खुदा तो वही है जिसने नमरूद और शद्दाद जैसे खुदाओं की खुदाई का तख्ता उलट दिया और फिरौन की खुदाई को दरिया नील में गर्क कर दिया। तुम लोगों को अपने खुदा के अफसाने तो बहुत याद है, लेकिन तुम में से किसी ने कभी उसे देखा भी है?
जवाब क्यों नहीं देते? फूल की खुशबू महसूस की जाती, देखी नहीं जाती। खुदा भी समझा जाता है, देखा नहीं जाता। शाबाश शाबाश मेरे शेर। तो क्या तुम नहीं जानते कि खुदाबंद कहरान से सरकशी करने की और सर उठाकर जवाब देने की क्या सजा है? खुदा के नाम पर मिटने वाले मौत से कभी नहीं डरते। ये जुरत, ये हिम्मत, ये मजाल के मेरे हुक्म की सरतापी। हम हुक्म खुदा से मजबूर हैं। हमारे खुदा का हुक्म है कि खुदा के सिवा किसी से मत डरो। जब तुम कत्ल किए जाओगे, तुम्हारी बोटी बोटी करके चील और कौओं को खिला दी जाएगी, क्या उस वक्त भी तुम यही कहोगे? इंशाअल्लाह, मरते मरते भी हमारा रोआ रोआ यही कहेगा कि मौत वक्त से पहले कभी नहीं आती। ले जाओ इन नमक हरामों को और डाल दो कैद खाने में, कल इनको कत्ल किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों, परसों जुमेरात है और दिन भी अच्छा रहेगा, क्या ख्याल है आपका? ले जाओ। क्या हुआ बेटा, क्या बात है, क्या कोई नई नई खबर है? हाँ बिल्कुल नई खबर है। शहजादा इमरान और वो नौजवान जिसका पहले मैंने आपसे जिक्र किया था, दोनों को कल सुबह होते ही तीरों से उड़ा दिया जाएगा। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या? वो नौजवान, वही नौजवान ने आज मुझे कहरान के जालिम सिपाहियों के हाथों से बचा लिया। नहीं तो समझिए अब्बा जान, क्या आज मेरा काम तमाम हो गया होता। बेटा उसने तुझे बचाया है, कुदरत उसे बचाएगी। जमीन इनको निकल चुकी है और मौत इनके सर पर खड़ी है। क्या अब भी कोई इनको बचा सकता है? इनको बचाने वाला हर हालत में इनको बचा सकता है। आज हमें यही देखना है। देखते क्या हो, भालों से इनके सीने जल्दी कर दो। न शमशीर का डर न भालों का डर है कि हम बेकसों पर खुदा की नजर है। बारे इलाह, हमारा सब कुछ तेरी राह में कुर्बान, लेकिन इस चिराग को बुझने से बचा ले जो तेरे नाम पर रोशन किया गया है। अरे वारे वाह वाह मेरे मालिक, वाह कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तलवार भाले सभी फूल, असली फूल फूल। परवरदिगार, तुझे कोई नहीं समझ सकता, तू बड़ी कुदरत वाला है, तू बड़ी रहमत वाला है। खाक रहमत वाला है। संगबारी करो, पत्थर बरसाओ, इनके सरों पर पहाड़ फेंको। मालिक, अब तो तुझ पे इतना भरोसा हो गया है कि किसी बात से डर नहीं लगता। मुंह क्या देखते हो? अरे पहाड़ फेंको या पत्थर, लेकिन आज हम पर रहमत के फूल ही बरसने वाले हैं और तुम्हारे मुंह पर धूल बरसने वाली है। फूल फूल, अरे वाह मेरे मालिक फूल। अरे वाह मेरे मेहरबान तू, अरे वाह मेरे खुदा वाह, तू मेहरबान, तू फूल मेहरबान। फेंको और फेंको, आहा क्या खुशबूदार फूल है, आहा क्या खुशबू आती जन्नत के फूलों से। और फेंको और फेंको और फेंको, वाह 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 वाह। जादू, ये सब जादू है। तेरा लाख लाख शुक्र है मां। शुक्र क्या करती है, तेरा खुदा तो एक मामूली जादूगर है और हम पानी का बहाव, हवाओं का रुख बदल देते हैं, जिंदगी को मौत बना देते हैं। हम देखते हैं कि अब वो हमारे हाथ से बचकर कहां जाते हैं। आंखें हो तो देख उसकी कुदरत का तमाशा।
लाख लाख शुक्र है। तो वाकई बड़ी बुलंदर। अबे तू उस रोज हमें फंसा कर खुद रफू चेक कर। हाँ भाई, उसी का तो शुक्रिया अदा करने आया हूँ। माफ करना, आदमी शरीफ मालूम होता है। अरे बात करता है, लेकिन तू कौन है, क्या है, कहाँ से आता है, ये आज तक पता नहीं चला। उसको बताना पड़ेगा क्या? बेशक, तीरंदाज तू, चाकू वाला तू, छुरी वाला तू, ये तू, वो तू, तू क्या क्या है, तू क्या क्या नहीं है, तू आज सब कुछ बता दे, समझा तू? अच्छा तो सुनो, मैं कहरान का दुश्मन हूँ। अच्छा, यानी कि जो हम हैं वही तू है? हाँ, उसने मेरे बाप की आंखें निकाली है, और जब तक मैं उसकी आंखें नहीं निकालूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारा बाप कहाँ है? मेरा बाप? अच्छा ठहरो ठहरो, अभी आता हूँ। परीदू, तू कैसे लड़की जैसा लगता है? शहजादे, मैं तो लड़का लगती हूँ ना। तो आने देना। यह है मेरे अब्बा जान, कहरान के जुल्म का शिकार। मुझे भी आप लोगों का हाल मालूम हो चुका है, और यकीन हो चुका है कि अब बहुत जल्द इंकलाब आने वाला है इंशाल्लाह। तो आओ, हम मजलूमों का ठिकाना सिर्फ कोहे मावरा, वहीं चलकर मशवरा करेंगे। चलिए चलिए अब्बा जान। हाँ। चलो बेटा, खाने पीने का इंतजाम करने वाला, बहुत भूख लगी है। क्या हो गया है तुझे बैठे बैठे? यही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या हो गया है बैठे बैठे। बड़े बूढ़े से सुना है कि जब कोई नजदीक का अपने को याद करता है ना, तभी हिचकी लगती है। शायद जुल्फी याद कर रही होगी। हाल बिला कुबर, तुझे यहाँ भी जुल्फी की याद सता रही है? छोड़ यार, तुझे तो मजाक सूझता है, यहाँ मेरा दिल जल रहा है। दिल जल रहा है? ठंडा पानी लाऊं? ठंडा हो जाएगा। नहीं, अभी तो मैं शरबत दीदार पीऊंगा। खुदा हाफिज। शहर में जाएगा तो पकड़ा जाएगा। अरे भाई, ये शेख फजलू बिन लूलू ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, समझा? उस्ताद ने ऐसे ऐसे नुस्खे सिखा दिए, ऐसी ऐसी तरकीब बता दी कि बड़े बड़े चक्कर में फंस जाते हैं, समझा? कौन समझा? अच्छा, खुदा 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 खुदा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मुर्शद, ये तो बताइए कि मेरी शादी कब होगी? हो जाएगी, हो जाएगी। शादी करना मजाक नहीं है। जा, अगली जुमेरात को मैं तेरी शादी कर दूंगा। जा। हाँ, खुदा हाफिज, खुदा भला करे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ख्याल करे। अरे वो जाने वाले, जरा इधर मुड़कर देख तो, हम मुसाफिर किस लिए बैठे हैं रास्ता घेर कर। आए आए जुल्फी, आओ आओ जुल्फी, आओ 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 हमारे पास बैठो, हम तुम्हारी मुसीबत दूर कर देंगे। बहुत मुसीबत ज़दा मालूम होती हो? जी हाँ जी। तेरे मुंह में शक्कर और घी, तू किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसलिए तेरा दिल नादान बहुत बेकरार है। उसका नाम है बापू, बापू फजलू इब्न लूलू, ठीक है? अरे, आप तो वाकई में फकीर रोशनी जमीर हैं। बेशक, इसमें क्या शक है, हम आसमान का अंधेरा और जमीन का उजाला फट फटा फट बता देते हैं। मांग ले मांग ले, अपनी दिल की मुराद पूरी कर ले, आज फकीर बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। मेरे पीर, तो फिर ये बताइए कि मेरा फजलू मुझे कब मिलेगा? अभी और इस वक्त? अभी तो फिर मिला दीजिए। नहीं, पहले तू उससे शादी का फैसला कर ले। मगर मेरा बाप तो मेरी शादी किसी रईस आदमी से करना चाहता है। वो बेवकूफ है, मोहब्बत में अमीर और गरीब दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं शादी का फैसला कर लूँ तो क्या मुझे फजल मिल जाएगा? फकीर रोशन जमीर का कहा कभी झूठ नहीं होता, वो तुझे फौरन से पेशतर मिल जाएगा। बोल, तू तैयार है? बिल्कुल तैयार। समझ ले, समझ ले, समझ ले। तो मियां फजलू, तुम शादी की मुसीबत में लटके, और तुम आ जाओ मेरे साथ बेखटके। आओ
आओ आओ आओ आओ आओ, रुक जाओ, आंखें बंद कर लो और सोचो कि तुम्हारा फजलू तुम्हारे पास है, बिल्कुल तुम्हारे करीब है, तुम्हारे से बिल्कुल दूर नहीं, तुम्हारे पास है। आंखें खोलो और देखो। अरे फजलू। हाँ, फजलू इब्ने लूलू। अच्छी है। मगर तुम कहाँ हो? मैं जहाँ नंबर पता पूछ रही हूँ, वो कोई महावरा, कोई महावरा पहाड़ी के पीछे। कोई महावरा पहाड़ी के पीछे? मलिका तो कैद में है। हाँ। और शहजादे के लिए बहुत रोती है। अरे तो मलिका से कहना कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, शहजादा बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश है, समझी? अच्छा अच्छा, मैं जा रहा हूँ। मिलोगे कब? मैं जुमेरात को, नहीं जुमा को, नहीं नहीं वो भी छोड़ दे, अब मैं तुझे नहीं मिलूंगा, तू ही मुझे मिलना और हर बात की खबर देते रहना, समझी? तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जुल्फी, तुम ही और मेरी तबीयत हो गई जुल्फी। समझ ले, जो कुछ के देखा था ख्वाब था, और जो कुछ के सुना था अफसाना था। और कमाल है यार, ये तो अपने को ही बेवकूफ बना रही थी, देखते हैं कब तक बनाती है। चला तू। जाने की तैयारी हो रही है? मेरे लिए रोटी का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। रोटी का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ? यार तू भी कमाल है, दिन भर छुरिया घिसते घिसते तेरे हाथ नहीं दुखते रहे। ए, क्या बोलता है? देख कितनी ताकत है हाथों में, देख। ओए, माफ करना यार, तेरे हाथ तो बिल्कुल जनाने लड़कियों जैसे है। मुँह संभाल के बात कर। क्या समझता है? मैं मर्द मर्द, और वो भी जवान मर्द। एक बात तुम बोल, बोल। अगर तू लड़की होता यार तो तुझसे शादी कर लेता। क्या बोलता है? शादी कर लेता। तुझे शर्म नहीं आती मर्दों के साथ ऐसी बात करते हुए? ओए मर्द के बच्चे, नजर मिला के बात करना। छोड़ 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 ना, मर्द का बच्चा है ना, छोड़ बोला तो। चल मार दिया। जा, मदद करूं? तुझे रोटी नहीं मिलेगी, क्या समझता है? मैं आऊँ मदद करने? पुकार अपने खुदा को, पुकार उस जादूगर को जो हीरों को फूल बना सकता है। वो जब चाहता है आतिश नमरूद को गुलजार बना देता है, दरियाए नील में मूसा के लिए रास्ता पैदा कर देता है। मगर खुदावंद कहरान के हाथों से तुझे नहीं बचा सकता। क्या बचा सकता है? मकरूर कहरान, क्या तू शद्दाद का अंजाम भूल गया? वो भी तो तेरी तरह झूठा खुदा था। होगा, मगर हम तो तेरे खुदा को देखना चाहते हैं। और मेरा खुदा तेरे जुल्म की इंतहा देखना चाहता है। इंतहा देखने के बाद क्या होगा? न तेरी खुदाई होगी न तू होगा। अगर हम तेरे हलक से तेरी जुबान काट लें तो क्या होगा? जिस्म का रुआ रुआ जुबान होगा। अगर हम तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके चील और कौओं को खिला दें तो क्या होगा? उनके दरबार में ये नजराना कबूल होगा। अगर हम तेरी आंखें निकाल लें तो क्या होगा? ईमान का चिराग रोशन हो। ईमान ईमान ईमान,
आज हम तेरी आंखें निकालकर तेरे ईमान का चिराग रोशन किए देते हैं। बुला अपने खुदा को, अगर वो बचा सकता है तो बचा ले। जो तुझे करना हो कर, मेरे खुदा की शान में गुस्ताखी ना कर। होश में आ और हमारे गजब से डर। तू एक कमजोर औरत हमारा कहर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब भी वक्त है, वरना फिर हम तेरी फरियाद नहीं सुनेंगे। खुदा के चाहने वालों को जालिम तू मिटा कर देख ले, उफ न निकलेगी जुबान से, आजमा कर देख ले। कहे सालिम, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। फेंक दो इस कीड़े को गंदी नाली में। एक मेरी नाफरमानी का अंजाम। ये अंजाम नहीं, खुदा के नेक बंदों का इम्तिहान है। तो क्या तेरे खुदा के नजदीक शौहर से बेवफाई करना जायज है? अगर शौहर शैतान बन जाए तो शौहर के लिए खुदा को तो नहीं छोड़ा जा सकता। आंखें चली गईं तो क्या हुआ, ईमान का चिराग तो रोशन है। मैं तेरे इस ईमान के चिराग को बुझा दूंगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हर दिल में हर ज़बान
ख्वाब में तो आओ जुल्फी, छुप छुप रहने में क्या बात है। अरे अल्लाह मियां, कितनी बेमुरव्वत औरत की एक ये जात है। जुल्फी, ओ जुल्फी, 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 जुल्फी है? नहीं नहीं, जुल्फी नहीं। हाँ मैं जुल्फी, मेरी बात तो सुनो। मैं बात नहीं सुनना चाहता, तुम मेरी बात सुन। चल कहीं दूर चले, चल चल चल। ये पागलपन छोड़ो, मेरी बात सुनो। और अगर नहीं सुनते तो मैं जाती हूँ। अरे अभी तो आए हो, बैठो जरा तसल्ली से। लगे कि देर मुझे हाल दिल सुनने में, सुनाने में, बकने में, पकाने में। बात तो बात, तुम्हें तो यही बातें सूझती है। वहाँ तो मलका की आँख भी निकाल दी गई है। मलका की आँख निकाल दी? किसने? कहरान ने। और उन्हें शहर के बाहर निकाल दिया है। तो तूने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? करान चटनी का, चल मेरे साथ कोई मावरा, मैं अभी उसको ठीक कर देता हूँ। चल कौन कौन है बेचारी? मलिका, उठा उठा चले चले, कोई मारे। फरीदू। बोलो शहजादे। अम्मी बहुत याद आ रही है। घबराओ नहीं, खुदा बड़ा कारसाज है। शहजादे, शहजादे, आपकी अम्मी। अम्मी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम तो अच्छे हो ना। सब्र कीजिए मलका आलिया, सब्र कीजिए। ये हमारे इम्तिहान का वक्त है, हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मुसीबत के बाद ही राहत मिलती है। मलका आलिया के आराम का इंतजाम करो। बहरान जालिम, कहरान तेरा अंजाम अच्छा नहीं। अल्लाह, चाकू वाली छुरी वाली चाकू वाला छुरी वाला चाकू वाला छुरी वाला चाकू वाला छुरी वाला चाकू वाला छुरी वाला अरे जवाब नहीं उम्र उस्ताद तुम्हारा भी। जवाब तो नहीं, मगर दूर से बात कराओ। जी क्या हो गया, हाथ लगा दिया तो? आखिर हम तो तुम्हारे मेहमान हैं। मेहमान है तो क्या हो गया, जबान से बात करो, हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये चमक, ये तड़प और उस पर ये नाजुक सूरत। तुमने अभी देखा है क्या है? यार लड़कियां तो बहुत मरती हैं तुझ पर। नहीं है? लड़कियां अपन लड़कियों से नहीं, मर्दों से दोस्ती करते हैं। दोस्ती करके धोखा तो नहीं दोगे प्यारे? नहीं, अपने जैसे मर्द होते हैं ना, अपने जैसे, तेरे जैसे नहीं जी। उनकी एक जबान होती है, क्या समझा? तो लाओ हाथ, लाओ। अबे अंगूठा दिखाता है? माफ करना यार, ये जब देखो जब बीच में आ जाता है। कल मैं इसको काठी डालूंगा। तो ये आदत हमारे लिए रह गई, हमारे लिए बीच में आ जाता है क्यों? चल भाई, तू नाराज हो गया तो क्या? ले हाथ निकाल। अब आया रास्ते पे, ला मिला। ए देना, पकड़ लिया हाथ। हो गई दोस्ती पक्की। बड़ी लंबी आए हैं, जीना है मोहब्बत में तो जीना ही पड़ेगा, पीना है अगर जहर। जहर बहुत कड़वा होएगा। अच्छा, पीना है अगर जहर तो शक्कर डालकर पीना ही पड़ेगा।
पीना है अगर जहर तो शक्कर डालकर मीठा मीठा पीना ही। पा, 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 पा। क्या बात है प्यारे, ये क्या हाल है तुम्हारे? क्या बताऊं क्या बताऊं, तड़प रहा हूँ, बेकरार हो रहा हूँ, तरकीबें सोच रहा हूँ। अरे कौन? अरे जुल्फी को फांसने की तरकीब सोच रहा हूँ यार। खैर ये तो बताओ पहुँचे कहाँ तक? अरे पहुँचे किधर, बीच में लटक रहे हैं। खैर मेरा छोड़, तेरा क्या हाल है? हाल तो ठीक है यार, लेकिन उस पर जाहिर कैसे करूं, वो लड़का नहीं लड़की है। लड़का नहीं लड़की है, है? मामूली बात है, मामूली बात है। अल्फा नदी पर जा, सब राज खुल जाएगा। अल्फा नदी पर क्या क्या वो नहाने गई है? सुन सुन, तुझे मत तकलीफ होगी क्योंकि तुझे तरकीब नहीं मालूम, मैं भी चलता हूँ। बात सुन, ये वो जुल्फी ने याद किया। अच्छा जुल्फी 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 ने याद किया। जाना हो तो जा, समझाना, मुझे छोड़ना हो तो यहाँ बैठता हूँ, चले जा। मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? नहीं नहीं सच बोल रहा है बाबा, मैं झूठ बोलूंगा? मेरी गलती हुई, सच बोल रहा है क्या? जा, समझ गया? मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। किसी ने सच कहा है कि वो चावल में कंकर बुरे होते हैं, अपन कंकर है बाबा आजकल। जुल्फी जुल्फी सच बोल रहा था यार, माफ करना। सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बच्चन अफजाई का शुक्रिया। आहा, अपना असली नाम तो बताते जाओ। जी धोखा दे चुकी, चाकू वाले, छुरी वाले, चाकू वाले। क्यों चाकू वाले बोलो? शहनाज। शहनाज नहीं, हम बता तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम दिल का चोर। तुम हो दिल के चोर, करे दिल शोर, तुम्हें पहचान लिया। आज खुला ये राज, हमारा राज किसी ने जान लिया। तुम हो दिल के चोर, करे दिल शोर, तुम्हें पहचान लिया। आज खुला ये राज, हमारा राज किसी ने जान लिया। ये दर्द न देके दर्द किया, दिल सर्द निगाहें फेर के हैं। तेरी चाह न देखी, आहन लौटा राह में हमको घेर के। लाख बचाया बच नहीं पाया, दिल ये हमारा तुम पर आया। तुम हो दिल के चोर, करे दिल शोर, तुम्हें पहचान लिया। आज खुला ये राज, हमारा राज किसी ने जान लिया। ओ मस्त नजर जाता है किधर, एक तीर का दिल पे मार के। बदनाम न हो, बदनाम न कर, इल्जाम न दे बेकार के। राज हमारा तूने जाना, जान न ले बे दर्द जमाना। तुम हो दिल के चोर, करे दिल शोर, तुम्हें पहचान लिया। आज खुला ये राज, हमारा राज किसी ने जान लिया। शर्मा के न जा, तड़पा के न जा, इकरार तो कर ले प्यार का। जब आँख झुके और लब नहीं ले, ये मतलब है इकरार का। नीची निगाहें दिल की कहानी, ये प्यार की है ये खास निशानी। तुम हो दिल के चोर, करे दिल शोर, तुम्हें पहचान लिया।
ये राज हमारा राज किसी ने जान लिया। बस 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 बस, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुलसी याद रख, तुझे इसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। ना मिले तो ना मिले, सोच ले मेरी बला से। समझ ले? समझ तो अच्छी बात है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही। या अल्लाह, मैंने तेरे लिए घर छोड़ा, मकान छोड़ा, ऐश आराम छोड़ा, और तू ही मुझसे धोखा कर रहा है। जुल्फी जुल्फी ना रो, ना रो जुल्फी, जुल्फी ना रो, तू रो रही है तो मेरी आंखों में भी आंसू उछल रहे। देख, ऐसे बात नहीं करना, पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं बात और सुनना नहीं चाहती, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जाती हूँ। अरे मैं जाता हूँ तेरे से पहले, मैं जान जाती हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अरे तू बाद में जाना, मेरी लाश पर से गुजरना, मातम करते हुए गुजरना। अरे सालिम, तुझे पता नहीं कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जैसे कि तू अकेला ही मोहब्बत करता, मैं नहीं करती क्या? ये मोहब्बत करती है, मोहब्बत करती है। तो चल आज अपनी तेरी किस्मत का फैसला कर डालें, कोहे मावरा में चल कर तेरा मेरा निकाह कर डालें। चल। नहीं मुझे तो तो क्या तुझे शर्म आती है? नहीं मुझे तो तो क्या तुझे फरीद से कुछ मेरी शिकायत करनी है? नहीं मुझे तो तो फिर क्या कोई शहनशाह से मिलना है? नहीं नहीं बदलू। तो फिर शाशा क्या है? मुझे तो शादी करनी है। हट बेशरम, इतने दरख्तों के सामने बोलते थी शर्म। ऐ कोहे मावरा के रहने वालों, आफरीन है तुम पर। आज मैं इस कोहे मावरा को ही मिटा देता हूँ। नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिनका हामी हो खुदा उनको मिटा सकता है कौन? देखता हूँ। नहीं जानता मैं, नहीं फिरौन नमरूद और शद्दाद को खुदा बनाया था, मुझे इबलीस कहते हैं। क्या चाहता है? ये खुदाई को कामयाब बनाना चाहता हूं। कामयाब? जब तक कोह मावरा बाकी है तेरी खुदाई कामयाब नहीं हो सकती। कोहे मावरा, ये क्या बला है? खुदा परस्तों की पनागा हमारी सरहद में। हाँ, अगर यकीन नहीं है तो देख, इसमें सब कुछ नजर आ जाए। आज हम उस पहाड़ को खाक में मिला देंगे जिसे कोहे मावरा कहते हैं। और तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कल कल बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कल कल बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। नजर में शौखियां और बचपना शरारत में, अदाएं देख के हम फंस गए मोहब्बत में। हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन है कि ना आएंगे वो ही मैयत में। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में,
तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। वहीं वहीं पे कयामत हो वो जिधर जाए, झुकी झुकी हुई नजरों से काम कर जाए। तड़प तो छोड़ दे रास्ते में और गुजर जाए, सितम तो ये है कि दिल ले ले और मुकर जाए। समझ में कुछ नहीं आता कि हम किधर जाए, यही इरादा है ये कह के हम तो मर जाए। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। वफा के नाम पे मारा है बेवफाओं ने, के दम भी हमको न लेने दिया जफाओं ने। खुदा भुला दिया इन हुस्न के खुदाओं ने, मिटा के छोड़ दिया इश्क की खताओं ने। उड़ाए होश कभी जुल्फ की हवाओं ने, हया ने नाज ने लूटा कभी अदाओं ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। फैसला करने वाला वो है, जो उसकी मर्जी होगी हो जाएगा। तहरान की फौज ने हम पर हमला कर दिया। हमला? घबराओ नहीं, आज या तो वो नहीं या हम नहीं। तुम मलका अली की हिफाजत करो, जो बाकी सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो तैयार हो? तैयार। चलो चलो। Thank you.
मुश्किलें करता है आराम, रिश्त बिस्मिल्लाह का, हर मुसीबत में मदद करता है नाम अल्लाह का। यकीनन तुमने हमारे दुश्मनों को मिटा दिया होगा और तुम्हें मावरा का तख्ता उलट दिया होगा। कोशिश तो यही थी, लेकिन मालूम होता है उनके साथ कोई बहुत बड़ी ताकत है। हमसे भी बड़ी ताकत? हरगिज नहीं, लेकिन वो लोग पानी पर इस तरह चल रहे थे जैसे जमीन पर चल रहे हैं। तुमने उनको वहां तक जाने क्यों दिया? हमारे तलवारें टकरा कर वापस आते मावरा पर जितने सिपाही के लिए थे सबके सब कत्ल कर दिए जाए। इस तरह तो सारा मुल्क खाली हो जाएगा। हम दूसरी दुनिया आबाद कर लेंगे, दूसरी दुनिया आबाद कर लेंगे। लाओ लाओ, सबको मिटा दो, सबको फना कर दो, सबको तबाह कर दो। जाओ जाओ, तुम्हें हमारे बादशाह के पास चलना होगा। लेकिन हमारा कसूर? हमें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि कीचड़ से निकले तो दलदल में फंसे? तो फिर बोला। मगर एक बात तो पूछने दे यार, सिपे सैलर साहब, अगर आप हमें गिरफ्तार न करें और बाइज्जत ले चलें तो इसमें कोई हर्ज है? मगर रास्ते में कहीं गड़बड़ नहीं करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कसम तुम्हारे माँ बाप की। तो चलो चलिए, चलो चलो। हाँ चलते हैं भाई। कौन हो तुम लोग? हम लोग खुदा के बंदे हैं। कौन है तुम्हारा खुदा? हमारा खुदा वही है जो हजरत मूसा का खुदा है। हमारा खुदा वही है जो ईसा इब्न मरियम का खुदा है। ईसा इब्न मरियम के खुदा को तुमने कभी देखा है? वो कोई इंसान नहीं जो चलता फिरता नजर आए, वो सिर्फ महसूस किया जाता है, दिखाई नहीं देता। हम आँखों का सबूत चाहते हैं। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? जरूर पूछो। इस महल को किसने बनाया? मेमार ने। जब आप इस महल के बनाने वाले को तस्लीम करते हैं तो इतनी बड़ी कायनात का बनाने वाला भी जरूर कोई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इनका खुदा सच्चा है, ये लोग सच्चे मुसलमान हैं और हक परस्त हैं। देखिए, परिंदे भी उसके होने की गवाही दे रहे हैं। हमने मान लिया कि तुम्हारा खुदा सच्चा है, लेकिन तुम उसको मानने के बाद में भी अंधे क्यों हो? लाजवाब क्यों हो गए? वो अपने मानने वालों का इम्तहान लेता है। इम्तहान लेके आंखें भी दे सकता है? जरूर दे सकता है। हम देखना चाहते हैं। एक कमाल तो अभी अभी आप देख चुके हैं कि परिंदों ने भी उसके नाम की गवाही दी है। अब दूसरा कमाल भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे। परवरदिगारा, हमारी इज्जत तो आबरू तेरे हाथ है, दिखा दे अपनी कुदरत का करिश्मा। मदद कर मदद कर मदद की घड़ी है तेरे नाम पर आज बात आ पड़ी है। तेरे नाम पर आज बात आ पड़ी है, तेरे नाम पर आज बात आ पड़ी है।
बिगड़ी है बात बना दे, बिगड़ी के बनाने वाले आँखों के आश्क ले ले, नजरों का नूर दे दे। बिगड़ी है बात बना दे, बिगड़ी के बनाने वाले आँखों के आश्क ले ले, नजरों का नूर दे दे। हमको भी झूठा कहेंगे लोग, तुझको भी और हमको भी झूठा कहेंगे लोग। ओ बंदों की लाज रख ले, इज्जत तू आज रख ले, आँखों के आश्क ले ले, नजरों का नूर दे दे। बिगड़ी है बात बना दे, बिगड़ी के बनाने वाले आँखों के आश्क ले ले, नजरों का नूर दे दे। जाए कहीं तेरे नाम पर, इल्जाम आ न जाए कहीं तेरे नाम पर। ओ दिल की पुकार सुन ले, परवरदिगार सुन ले, आँखों के आश्क ले ले, नजरों का नूर दे दे। बिगड़ी है बात बना दे, बिगड़ी के बनाने वाले आँखों के आश्क ले ले, नजरों का नूर दे दे। आँखों के आश्क ले ले, नजरों का नूर दे दे, सबके तेरी रहमत की मेरे बाबू, तूने मुझे आंखें अदा की, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र। बेशक उसको खुदा मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता, और जो उसे खुदा न माने वो इंसान नहीं शैतान है, शैतान। आपने उसे पहचान कर उसकी वैधानियत को मान लिया, हमें सब कुछ मिल गया। आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं, और जिसने तुम पर यह जुल्म किया है हम उससे बदला जरूर लेंगे। बताओ कौन है वो? उसका नाम कहरान है। कहरान? जी हाँ, आपको ताज्जुब होगा, ये मलिका कहरान है और मैं इनका गुलाम हूँ। क्या कहा, मलिका कहरान?
इतना जुल्म। वो अपने मुल्क से इंसानियत का नाम ही मिटाना चाहता है। हम उसको ही मिटा देंगे। कहरान का ताज शहजादा के सर पे होगा। खुदा आपके इरादों में बरकत दे। हम और हमारा एक एक आदमी मलिका और शहजादे के लिए जान दे देंगे। शुक्र है खुदावंता। सिपा सालार हाबिल, यहाँ पर ना। कहरान को मिटाने की कसम खाकर हमले की तैयारी करो। परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझमें इतनी ताकत दे कि मैं कहरान को मिटा सकूं। आमीन। तू तेरा मददगार आने वाली तबाहियों की खबर देने आया हूं। सामने आकर बात कर। कौन? इब्लीस? हां इब्लीस। और सुन, शाह हमान खुदा परस्तों के साथ तुझे मिटाने की कसम खाकर आंधी और तूफान की तरह आ रहा है। मैं उसे आग और धुएं की तरह उड़ा दूंगा। खुदा परस्तों का तूफान हमला और शहर में कत्लेआम। कौन है तुम? खुदावंद के कारण खुदा परस्त किले में घुसा है। आनी दो। खुदा परस्त महल में घुस गए। महल में घुस गए? नामुमकिन है। तलवार पेश करो। Thank you.
के लिए खुदा एक हस्ती, अब मैं कोई दूसरा घर ढूंढता हूं। मुझे प्लीज कहते हैं। हम खुदा बंदे कहरान की कोशिशों के बाद कहरान के जुल्म से निजात मिली। आमीन, आमीन, आमीन। और हम अपने मकसद में कामयाब। आमीन, आमीन। जमाने में हक का हुआ बोलबाला कि नन्ना मुजाहिद बना ताजवान। शहजादे आलम, मैं आज की इस खुशी को दोबाला करना चाहता हूँ। फरमाइए शहजादे आलम। फरीदू और शहनाज। मैं समझ गया शहजादे आलम, मेरी भी यही ख्वाहिश है। तो फिर देर किस बात की? बहुत खूब शहजादे आलम। बेटा फरीदू, हाथ लाओ। शाबाश, लाओ बेटी, हाथ लाओ बेटा। इलाही, इनकी जोड़ी सलामत रखना। आमीन, आमीन, आमीन। फरीदू, आज से तुम खाना है आजम और ये तुम्हारी बेगम। फरीदून, ए फरीदून, हम भी तो खड़े हैं राहों में। ओ भाई, हाथ बढ़ाओ तुम भी। अपना हाथ बढ़ाओ। खुदा तेरा भला करे। खुदा तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। आमीन। आमीन। शुक्र है बापू। सलाम वालेकुम भावा। चाकू वाला, छुरी वाला, चाकू वाला, चाकू वाला, छुरी वाला, चाकू वाला। ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए ना, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। ओ पिछले भाई, आ गया, आ गया, आ गया ये। अरे भाई, हमारी शादी की खुशी में अधूरी कव्वाली पूरी तो सुन जाइए। मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हजार लुट गए नजरों के,
के धारे पर, न इनके वादों का कुछ ठीक है न बातों का, फसाना होता है इनका हजार रातों का। बहुत हसीन है वैसे तो भोलपन इनका, भरा हुआ है मगर जहर से बदन इनका। ये जिसको काट ले पानी वो पी नहीं सकता, दवा तो क्या है दुआ से भी जी नहीं सकता। इन्हीं के मारे हुए हम भी हैं जमाने में, है चार लफ्ज मोहब्बत के इस फसाने में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। जमाना इनको समझता है नेक और मासूम, मगर ये कैसे हैं क्या हैं किसी को क्या मालूम। इन्हें न तीर न तलवार की जरूरत है, शिकार करने को काफी निगाहें उल्फत है। हसीन चाल से दिल पाए माल करते हैं, नजर से करते हैं बातें कमाल करते हैं। हर एक बात में मतलब हजार होते हैं, ये सीधे साधे बड़े होशियार होते हैं। खुदा बचाए हसीनों की तेज चालों से, पड़े किसी कभी पाला न हुस्न वालों से। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है, चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। उनकी बातों में बनावट ही बनावट देखी, शर्म आंखों में निगाहों में लगावट देखी। आग पहले तो मोहब्बत की लगा देते हैं, अपने रुखसार का दीवाना बना देते हैं। दोस्ती करके फिर अनजान नजर आते हैं, सच तो ये है कि बेईमान नजर आते हैं। माँ से कम नहीं दुनिया में मोहब्बत इनकी, जिंदगी होती है बर्बाद बदौलत इनकी। दिन बहारों के गुजरते हैं मगर मर मर के, लुट गए हम तो हसीनों पे भरोसा करके। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले।